मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जी, एक एक शुरू करिए। पहले पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली चेतना यानी क्या होता है, और जैसे चेतना के लेवल्स यानी क्या होता है, चेतना का प्रवास यानी क्या होता है, और चेतना जैसे आगे आगे प्रवास में बढ़ती है तो क्या होता है। जैसे मैंने सुना था आपका, तो उसमें हम कोई निर्जीव चीज़ की तरफ भी देखता है तो ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, तो वो एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है? चेतना माने क्या? इंग्लिश में हम उसको कहेंगे कॉन्शियसनेस, ट्रेडिशनल लैंग्वेज में हम सोल भी कह सकते हैं, बट ये डिक्शनरी मीनिंग है। चेतना का अर्थ है फंडामेंटल फोर्स, जो फंडामेंटल क्रिएटिव फोर्स है, जो ऑल परवेडिंग यानी कि सर्वव्यापी एक सृजनात्मक जो शक्ति है, मौलिक सृजनात्मक शक्ति है, क्रिएटिव फोर्स है, उसको हम चेतना कहते हैं। जिस किसी भी चीज़ को हम कुछ भी कहते हैं, कहना एक कॉन्सेप्ट है, किसी भी बात को कहना एक कॉन्सेप्ट का अवधारणा है, तो उसको एज इट इज़ नहीं लेंगे। चेतना जैसे कोई चीज़ कहीं होगी हम उसको अचीव कर लेंगे या हम देख लेंगे पा लेंगे, नहीं। हम जब देखते हैं कि ये जितना भी मैनिफेस्टेड वर्ल्ड है यानी कि जो प्रकट हुआ जगत है, तो इसके पीछे कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी सत्ता होती है जिससे ये निकल कर प्रकट होता है। तो वो जो अनमैनिफेस्टेड सोर्स है, अनमैनिफेस्टेड अव्यक्त स्रोत, अनअभिव्यक्त, जिसे अभिव्यक्त एक्सप्रेस नहीं किया जाता सकता, उसको हम कहते हैं चेतना। अब दूसरा सवाल कि चेतना के स्तर क्या होते हैं, चेतना के लेवल। चेतना के कोई स्तर नहीं होते, चेतना के कोई लेवल्स नहीं होते, चेतना ही चेतना, कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियसनेस, वो है। हमारे परसेप्शन के लेवल्स होते हैं, हमारे देखने के, हमारे दृष्टि के, हमारे समझने के स्तर होते हैं। जैसे हम पूछे जीवन, जीवन जो मैनिफेस्ट हुआ है वो हमारे शरीर और मन के माध्यम से, वो चेतना का एक्सप्रेशन है, दैट इज कॉल्ड लाइफ। अब जीवन का भी स्तर क्या होता है? कुछ नहीं, जीवन जीवन है, लाइफ इज लाइफ। लेकिन हमारे शरीर मन की स्थितियों के हिसाब से जीवन अलग अलग तलों से अभिव्यक्त होता हुआ जान पड़ता है, दिखाई देता है, इट अपीयर्स, यानी कि वो प्रतीत होता है कि ऐसा होता है स्तर, लेकिन ऐसे कोई स्तर नहीं है, वो एब्सोल्यूट है। इसीलिए चेतना को परिपूर्ण कहते हैं, एब्सोल्यूट कहते हैं, ठीक है। अब तीसरी बात, जो हम कहते हैं ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, तो ऊर्जा माने क्या? साइंटिफिकली हम देखेंगे तो ऊर्जा एक बिल्कुल अलग सी चीज़ है एनर्जी। अगर हम एनर्जी और ऊर्जा शब्द का बहुत उपयोग करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी है, डायनेमिक एनर्जी है, जो साइंटिफिकली वो एक एनर्जी का अलग टाइप है। लेकिन जब हम अध्यात्म में ऊर्जा शब्द का उपयोग करते हैं तो ऊर्जा से हमारा तात्पर्य होता है इन्फॉर्मेशन प्लस अवेयरनेस, दैट बिकम्स एनर्जी। यानी कि जो सूचना और सजगता है वो एक किस्म की ऊर्जा बनती है। ऊर्जा से हम आशा ये लेते हैं, अभिप्राय ये लेते हैं कि जो जीवन को संचालित कर रही, ऐसे ऊर्जा हर चीज़ को संचालित कर रही। जैसे मान लीजिए फैन चल रहा है तो उसको संचालित करने के लिए ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी है, या कोई भी चीज़ है। तो उस सेंस में अगर ऊर्जा देखेंगे तो एक अलग चीज़ हुई। हम देखते हैं फंडामेंटल जो किसी चीज़ को चला रही है। तो अब हम जीवित या निर्जीव किसी भी चीज़ के संपर्क में होते हैं तो जिसको मैंने कहा भी होगा कि ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, तो इन्फॉर्मेशन और एनर्जी, सूचना और सजगता का आदान प्रदान होता है। वो सूचना जो है बड़े सटल फॉर्म में, बड़े सूक्ष्म रूप में रिकॉर्डेड रहती है, इनकोडेड रहती है। मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ तो इस कुर्सी की जो संरचना है वो भी एक किस्म की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, एक किस्म का आणविक रचना है।
और हम साइंटिफिकली जानते हैं कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टैटिक नहीं होता, बिल्कुल स्थिर नहीं होता, उसमें भी एक मोमेंट है। उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन या जो और सूक्ष्म तल पर है उस पर एक मोमेंट है। हमारा शरीर, ये जो फिजिकल बॉडी है जो अभी स्टैटिक जान पड़ती, ये भी स्टैटिक नहीं है एज सच, इसमें भी अपना मोमेंट है, इसमें भांति भांति का मोमेंट है। जैसे इसमें तो सेल्स का बनना और मिटना, उनका जन्मना और मरना, वो भी एक मोमेंट है। इस चेयर में वो बनना और मिटना वाला मोमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी जो डिके हो रहा है, इसमें कुछ डिके भी हो रहा है, कुछ बन भी रहा है। तो पूरा जो जगत है, यूनिवर्स है, उसको हम आज जानते हैं कि वो इसी इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस का एक कलेक्टिव फॉर्म है। तो इन ए वे एक ये जो मटेरियल चीज़ है चेयर, ये भी एक किस्म का एनर्जी फील्ड है। एनर्जी फील्ड जब कहते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें, एनर्जी और अवेयरनेस का एक फील्ड। मेरी बॉडी भी एक एनर्जी और अवेयरनेस का फील्ड है, दोनों के बीच इंटरेक्शन हो सकता है उनके सटल पार्ट पर, और वो आदान प्रदान होता है उस तरह का, यानी कि इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होती है और अवेयरनेस एक्सचेंज होती है। इसीलिए कभी कभी हमको बहुत सारे अलग अलग किस्म के अनुभव भी होते हैं। अचानक आप मान लीजिए जिस चेयर पर बैठे हैं तो आपको अच्छा लग सकता है, शांति अनुभव हो सकती है, क्योंकि वो मेरी एनर्जी और अवेयरनेस की फील्ड से इंटरेक्ट की होगी ये मटेरियल चीज़। और अगर अभी कोई बहुत ही वायलेंट पर्सन, बहुत ही हेट से भरा हुआ या किसी भी चीज़ से भरा हुआ कोई व्यक्ति इस चेयर पर बैठ के गया हो, तो एक अलग किस्म का एनर्जी और अवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस एक्सचेंज हुआ है, तो आपको सडनली कुछ लगेगा अजीब सा। तो ये एक्सचेंज एक्चुअल में हर जगह हमेशा कंटिन्यूअस चल रहा है, और इस इंटरचेंज एक्टिविटी से ही एक इवोल्यूशन होता है लगातार। जो हमारा इवोल्यूशन है वो इसी इंटरपर्सनल ह्यूमन इंटरेक्शन के थ्रू होता रहे।